नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। हमारा आज का विषय लागत की अवधारणाएं हैं। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा कि अल्पकाल में तीन प्रकार की लागतें होती है, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। पिछले व्याख्यान में हमने कुल लागत के बारे में पढ़ा। कुल लागत कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत का जोड़ होती है। उसी क्रम में आगे स्थिर लागत तथा घटती लागतों में अंतर का महत्व, मतलब इनका महत्व क्या है स्थिर लागत और घटती लागत के अंतर्गत। तो सामान्य सी बात यह है कि अल्पकाल में मंदी के कारण वस्तु की मांग तथा कीमत कम हो जाती है। जब अल्पकाल होता है, मंदी होती है, तो मंदी में मांग की कमी होती है, बेरोजगारी आ जाती है, कीमतों में घटना शुरू हो जाता है, कीमतें कम हो जाती है और फर्म को ये लेने निर्णय लेना पड़ता है कि मंदी के दौरान वो उत्पादन जारी रखें या बंद कर दें। अल्पकाल में उत्पादन बंद करने पर फर्म को स्थिर लागत जैसे इमारत का किराया, स्थिर पूंजी पर ब्याज आदि खर्च करने पड़ेंगे, इसलिए फर्म को अल्पकाल में काम बंद करने का निर्णय लेने पर स्थिर लागतों की हानि उठानी पड़ेगी। अतः ये मंदी के समय वस्तु की कीमत कम होकर घटती बढ़ती लागतों के बराबर हो जाती है। तो फर्म उत्पादन जारी रखने के लिए निर्णय लेगा कि स्थिर लागत का हानि सहन कर लेगी या नहीं, फिर उस समय तक उत्पादन करती रहेगी जब तक उसे घटती बढ़ती लागतें प्राप्त होती रहेगी। मतलब जब तक उसे परिवर्तनशील लागत मिलती रहेगी तब तक तो उत्पादन जारी रखेगा, परंतु जैसे ही उसे स्थिर लागत की भी हानि होने लगेगी तो वह उत्पादन बंद कर देगा। तो ये इसका महत्व है, मंदी काल में डिसीजन लेता है कि कब उत्पादन बंद करेगा वो। तो इसी क्रम में अब आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, औसत लागत। औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। मतलब जो भी वस्तु है उसकी प्रति इकाई लागत होगी। जैसे 100 वस्तुएं बनी है और हमारी जो कुल लागत है मान लीजिए 1000 रुपये, तो एक वस्तु बनाने में हमारी जो लागत आती है वो हो जाती है औसत लागत। कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर औसत लागत ज्ञात हो जाती है। एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, यानी जो टोटल कॉस्ट है उसमें आउटपुट का भाग दे देंगे। जैसे कि हमने कहा टोटल कॉस्ट हमारी आई 1000 रुपये है तो हमने 100 वस्तुएं बनाई, 10 रुपये हमारी औसत लागत होगी, यानी प्रति इकाई लागत होगी, प्रति इकाई वस्तु की। तो तीन पहलू होते हैं औसत लागत के भी, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और तीसरा औसत कुल लागत या औसत लागत जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं औसत स्थिर लागत की, एवरेज फिक्स कॉस्ट। औसत स्थिर लागत प्रति का स्थिर लागत होती है। कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे औसत स्थिर लागत कहते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज कॉस्ट इक्वल टू तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, यानी जो हमने पिछले व्याख्यान में कुल स्थिर लागत पढ़ी है टीएफसी पढ़ी, तो टीएफसी में क्वांटिटी का भाग देखो तो आपके पास एएफसी आ जाएगी, यानी औसत स्थिर लागत क्या आ रही है, प्रति इकाई औसत स्थिर लागत क्या आ रही है। जैसे कि जो कि उत्पादन से संबंधित, उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित नहीं, उत्पादन करने के पहले तो आपको लगानी पड़ेगी स्थिर लागत, तो औसत स्थिर लागत होती है कुल स्थिर लागत या स्थिर लागत के अंतर्गत कुल इकाइयों का भाग देने पर हमें औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाती है। क्योंकि स्थिर लागत जो होती है वो स्थिर रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, वो ना तो बढ़ती है ना घटती है, इसलिए जितना अधिक होगा उत्पादन, जितना अधिक होगा प्रति इकाई स्थिर लागत उतनी कम होती चली जाती है। टेबल के माध्यम से देखिए, पिछले अभी बार हमने टेबल देखी थी जो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे उत्पादन हुए, तो इस उत्पादन में आप देखिए कि दस दस हमारी स्थिर लागत, क्योंकि स्थिर लागत तो शुरुआत में लग जाती है उत्पादन प्रक्रिया में, तो वो एक स्थिर हो जाती है जो कि एक्सेस की पैरेलल होती है। अब जैसे कि हमने पहले 1 इकाई बनाई और 10 हमारे, तो स्थिर लागत 10 में 1 का भाग दे देंगे, 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 10, 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5, 10 डिवाइड बाय 3 3.3, 10 डिवाइड बाय 4 2.5। तो इस प्रकार से कुल स्थिर लागत में उत्पादन की इकाइयों का भाग दे जाएंगे
तो औसत स्थिर लागत आ जाती है। तो इसलिए इस प्रकार से स्थिर लागत आप देखिए ये कम होती चली जाएगी, पहले 10 फिर 5 3.3, क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जा रहा है ये तो स्थिर है और उत्पादन बढ़ता चल रहा है तो जो प्रति इकाई लागत होती है वो बढ़ती बराबर बराबर भागों में बढ़ती चली जाती है। तो जो स्थिर लागत है वो धीरे 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 कम होती चली जाएगी, पर ये नेगेटिव नहीं होती है तो कम होती चली जाती है। तालिका चार के ऊपर की तालिका जो गई, जब एक इकाई का उत्पादन किया था तो औसत स्थिर लागत 10 रुपए है, इसके विपरीत जब 5 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है तो औसत स्थिर लागत कम होकर 2 रुपए हो जाती है। औसत स्थिर लागत उत्पादन में होने वाली वृद्धि के साथ घटती जाती है। औसत रेखा AFC जो होती है वो औसत स्थिर लागत प्रकट कर रही है, वह दाहिनी तरफ नीचे की ओर झुकी हुई, यानी डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे तो डायग्राम में आप देखोगे दाहिनी ओर नीचे की ओर झुकी होती है। औसत स्थिर लागत वक्र के नीचे गिरने की प्रवृत्ति से स्पष्ट है कि वे OX अक्ष को कहीं ना कहीं अवश्य स्पर्श करेगा, परंतु ऐसा संभव नहीं है क्योंकि जिस बिंदु पर AFC वक्र OX को स्पर्श करेगा वे AFC शून्य होनी चाहिए, लेकिन AFC कभी भी शून्य नहीं हो सकती ना, जैसे मैंने ऊपर बताया ना तो वो शून्य होगी ना निगेटिव होगी, AFC शून्य नहीं हो सकती। इसलिए जो ये होते हैं स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत वक्र रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, ठीक है। एक बार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मांग की लोच में बढ़ती है, जो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है वो रेक्टेंगुलर हाइपर होती है। औसत स्थिर लागत वक्र जो होता है वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर कुल स्थिर लागत एक समान होती है, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर स्थिर लागत जो होती है वो एक समान होगी। औसत स्थिर लागत वक्र एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसका कारण ये है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नीचे खींचे गए प्रत्येक रेक्टेंगल का क्षेत्रफल एक समान होता है। जैसे कि मांग की लोच में भी हमने पढ़ा था कि जो रेक्टेंगल होता है उसका क्षेत्रफल समान होता है, तो इसी प्रकार AFC में भी जो होगा वो प्रत्येक बिंदु पर कुल स्थिर लागत जो होती है वो समान होती है, इसीलिए वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाती है। इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। डायग्राम में देखिए ये नीचे चलती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, और ये नीचे जाके एकदम से इसका टच लग होता है, टच हो गया, पर ये टच नहीं होगी, ये बिल्कुल इसके पैरेलल और धीरे 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 बहुत धीमे धीमे नीचे जाएगी ये, और शून्य भी नहीं हो सकती ना तो इसका टच करेगी AFC। तो AFC इस प्रकार से एक लंबी रेखा बनाती हुई और नीचे बाद में जो एक्स एक्सिस समानांतर तो नहीं चलती, धीरे धीरे कम होती चलती है, नजदीक आती जाती है, क्योंकि औसत स्थिर लागत धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा आपकी औसत स्थिर लागत कम होती चली जाती है, जो कि दाहिनी ओर झुकी रहती है, इसके प्रत्येक बिंदु पर कुल स्थिर लागत समान होती है, और तो इसलिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बनाती है। नेक्स्ट है औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती थी, वेरिएबल कॉस्ट हमने देखा जो उत्पादन के साथ घटती बढ़ती है। अब यहाँ बात होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, यानी कि जो प्रति इकाई बराबर भागों में बांट देंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। औसत परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई औसत लागत है, इसका अनुमान कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देकर लगाया जाता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, यानी TVC को Q से डिवाइड करेंगे, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो थी उसको क्वांटिटी से भाग दे देंगे, तो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। देखिए इसमें आप आगे औसत परिवर्तनशील लागत जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, कुल परिवर्तनशील लागत में कुल उत्पादित इकाइयों को भाग देंगे। तो जैसे टोटल को वेरिएबल कॉस्ट हमारी पहले 10 रुपए थी और एक इकाई थी तो 10 आई, फिर धीरे धीरे जैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी क्योंकि उत्पादन के साथ साथ ये लागत बढ़ती चली जाएगी, और आप देखिए ये इस प्रकार से उत्पादन बढ़ता जा रहा है और लागत भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे उत्पादित इकाइयां, अब 18 में 2 का भाग दिया तो 9 आया, 24 में 3 को भाग दिया तो 8 आया, 28 / 4 7 आ गया, 32 / 5 6.4 आ गया। तो पहले देखिए 10, 9, 8, 7, 6.4 ठीक है कम हुई, 6.3 कम हुई, फिर बढ़ना शुरू हो गई। तो ये पहले धीरे धीरे कम होती है, फिर एक स्थिर बिंदु आता है, उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से औसत परिवर्तनशील लागत होती है, उत्पादन के बढ़ने पर औसत परिवर्तनशील लागत 6 इकाई तक कम हो रही है, यानी कि 6th यूनिट तक ये कम हो रही है। देखिए 7 के बाद 6.4 6.3 10, 9, 8, 7 6.4 6.3 परंतु 7 इकाई से बढ़ना शुरू हो गया। इसका कारण है कि उत्पादन के आरंभ में बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है, इसलिए औसत परिवर्तनशील लागत कम होती जाती है। एक सीमा के पश्चात उत्पादन पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होने लगता है, नहीं शुरुआत में तो बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है इसलिए घटते चली जाती है, फिर बाद में ये घटते प्रतिफल का नियम लागू हो जाता है इसलिए लागतें बढ़ना शुरू हो जाती है।
तो जैसा कि चित्र के माध्यम से हम इसको समझते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, ये अंग्रेजी के यू शब्द की तरह होती है। इस प्रकार से डायग्राम पे आएंगे हम। पहले ये वक्र 6 इकाइयों तक नीचे गिर रहा है, उत्पादन की मात्रा में औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो रहा है, साथ ही इकाई में ऊपर उठ रहा है, जो हमने टेबल पिछली देखी पिछली स्लाइड में उसमें ऊपर उठ रहा है, इसका अर्थ है औसत परिवर्तनशील लागत बढ़ रही है। तो ये इस प्रकार से डायग्राम बनता है इसका एवरेज वेरिएबल, यानी कि आप देखिए 6ठी इकाई तक तो गिरता है, फिर 6ठी इकाई के बाद ऊपर गिरना शुरू होता है, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो यू आकार का होता है और ये गिरना शुरू हो जाता है। अब आप देखिए कि ये यानी कि बढ़ते प्रतिफल के नियम लागू हो रहे हैं और फिर 6ठी इकाई के बाद घटते प्रतिफल के नियम लागू हो जाते हैं, यानी घटते प्रतिफल के नियम में जिस इकाई में जिस उत्पादन में हम साधन लगा रहे हैं उस उत्पाद उसी अनुपात में हमको उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस प्रकार का होगा जो कि यू आकार का होता है। पहले उसमें औसत परिवर्तनशील लागत पहले कम होती है, फिर बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है हमारा औसत कुल लागत या औसत लागत जिसे हम कहते हैं। तो ये आ गया कुल किसी वस्तु की प्रत्येक इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। प्रोफेसर फर्गुसन के अनुसार क्या है, कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर औसत लागत ज्ञात हो जाती है, यानी टीसी अपॉन क्यू करोगे तो आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाती है। टोटल कॉस्ट में आप क्वांटिटी का भाग दे दोगे, या दूसरा तरीका क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमने जो निकाली और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाली उन दोनों का जोड़ लगा देंगे। तो एएफसी कैसे आती है, फिक्स कॉस्ट में क्वांटिटी का डिवाइड कर देंगे तो एएफसी आ जाती है, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट में क्वांटिटी का डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। ये हमने अभी इसी व्याख्यान में पढ़ा। तो इस प्रकार से एएफसी और एएफसी को जोड़ेंगे तो ईसी आ जाएगा, और डायरेक्ट टीसी से क्यू का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एसी एवरेज कॉस्ट आ जाता है। अब आके देखिए इसको, मान लीजिए किसी वस्तु की 6 इकाइयों की कुल लागत 180 रुपए है, तो प्रति इकाई औसत लागत यानी औसत लागत क्या होगी, 180 में 6 का भाग दे दोगे, 180 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 30 रुपीज, तो 30 रुपीज हमारी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। टेबल के थ्रू हम समझते हैं कि जैसे उत्पादन की मात्रा, वो उत्पादन 1 2 3 4 5 इस प्रकार उत्पादित इकाइयों की संख्या बताई गई है, और फिर नेक्स्ट हमारी एएफसी थी 5 10 5 3.3 2.5 2 1.7 1.4, ठीक है, ये औसत स्थिर लागत है और औसत परिवर्तनशील लागत है, तो हमने इन दोनों का जोड़ लगा दिया, 10 और 10 20, 5 और 9 14, 3.3 और 8 11.3, इस प्रकार से हम जोड़ लगाते जाएंगे, 1.2 और 7.9, इस प्रकार से हमारी एवरेज कॉस्ट होगी। तो एवरेज कॉस्ट देखिए 20 हुई, फिर 14 हुई कम हुई, फिर 11.3 कम हुई, फिर 9.5 कम हुई, फिर 8.4 कम हुई, फिर 8 कम हुई, फिर ये स्थिर हो गई और फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो एवरेज कॉस्ट भी पहले कम होती चली जाती है, फिर लगातार बढ़ना शुरू हो जाती है। अब आप इसको देखिए, औसत परिवर्तनशील लागत औसत स्थिर लागत के जोड़ने से औसत लागत का अनुमान लगाया है। 7वीं इकाई तक औसत लागत कम हो रही है, ये जो 7वीं इकाई है इसमें औसत लागत कम हो रही है, 8 8 छठी तक कम हो रही है, और आज 6ठी और 7वीं से बराबर हो गई। औसत स्थिर लागत औसत परिवर्तनशील लागत भी कम हो रही है, 7वीं इकाई की औसत लागत न्यूनतम हो गई है, 7वीं इकाई की ये न्यूनतम हो गई 8, इसके पश्चात औसत लागत बढ़ रही है क्योंकि औसत घटती बढ़ती लागतें भी बढ़ रही है, क्योंकि स्थिति के बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है, इसलिए एवरेज कॉस्ट भी बढ़ना शुरू हो गया, 6.6 के बाद 7.8 हो गया। तो ये बढ़ना शुरू हो गया तो अब हमारी एवरेज कॉस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि परिवर्तनशील लागत भी बढ़ने लगी है। तो एवरेज कॉस्ट का जो डायग्राम बनता है वो भी यू आकार का बनता है, और इस प्रकार से वो यू आकार का बनेगा। पहले कम होगी एवरेज कॉस्ट, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, कारण वही है, पहले बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं फिर बाद में घटते प्रतिफल प्राप्त होता है। ये आउटपुट बताया एक्स एक्सिस पे हमने, और वाई एक्सिस पे हमने कॉस्ट को बताया है। तो औसत लागत क्या होती है, चित्र द्वारा समझाया जाता है कि ओ एक्स एक्स पर उत्पादन तथा ओ एक्स एक्स पर लागत को प्रकट किया गया है। ऐसी वक्र औसत लागत वक्र को प्रकट कर रही है। यह वक्र अंग्रेजी भाषा के यू शब्द की तरह है, ये यू शब्द की तरह है, यू की तरह, ठीक है, इससे प्रकट होता है कि उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर आरंभ में औसत लागत कम होती है और एक सीमा के बाद ये बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। इसका कारण यह है कि आरंभ में जब उत्पादन में वृद्धि की जाती है तो बढ़ते प्रतिफल या घटती लागत का नियम लागू होता है। एक सीमा के पश्चात उत्पादन बढ़ने पर घटते प्रतिफल या बढ़ती लागत का नियम लागू हो जाता है, इसलिए ये वक्र ऊपर की ओर उठने लगता है। तो ये हमारा औसत लागत कर्व था जो कि पहले नीचे गिरता है, ये किस कारण से गिर रहा है, क्या कारण है, क्योंकि घटते प्रतिफल मिल रहा है, उत्पादन का जो हमारी उत्पादन प्रक्रिया है उसमें घटते प्रतिफल मिलते हैं और फिर हमारे को बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो बढ़ते प्रतिफल के कारण हमारी एवरेज कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है, ठीक है, तो उसी के कारण एवरेज कॉस्ट भी बढ़ जाती है और एवरेज फिक्स कॉस्ट तो कम होती चली जाती है।
अब हम बात करते हैं जो औसत लागत वक्र हमने पढ़ा वो यू आकार का क्यों होता है, वाई इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड। जो हमने अभी एवरेज कॉस्ट पढ़ा वो यू आकार का क्यों है, क्योंकि ये वक्र पहले नीचे की ओर गिरता है और न्यूनतम बिंदु पर पहुंचता है, फिर ऊपर उठने लगता है। तो औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत की अंतर क्रिया कारण, पहला कारण क्या हो गया, इंटरेक्शन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। औसत लागत, औसत स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तनशील लागत का जोड़ ये हमने पढ़ा अभी। जैसे जैसे उत्पादन वृद्धि होती है औसत स्थिर लागत घटती जाती है। इसलिए आरंभ में औसत लागत घटती जाती है और ए बिंदु तक औसत लागत वक्र नीचे की ओर गिर रही है, औसत लागत वक्र गिरते गिरते ए बिंदु पर न्यूनतम हो गई है। इस स्थिति में फर्म की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग होने लगता है और आदर्शतम उत्पादन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आदर्शतम उत्पादन तक पहुंचते हैं और उत्पादन की एक सीमा के बाद में औसत स्थिर लागत औसत परिवर्तनशील लागत में वृद्धि होने लगती है। औसत स्थिर लागत तो गिरती चली जाती है और औसत परिवर्तनशील लागत में वृद्धि होने लगती है, इसके फलस्वरूप औसत लागत वक्र भी ऊपर की ओर उठने का कारण है। इसका कारण यह है कि एवीसी बढ़ने के साथ साथ एएफसी की दर से कहीं अधिक, मतलब एएफसी तो गिर रही है पर एवीसी बढ़ रही है, तो एएफसी की गिरने की दर कम होती है और एवीसी के बढ़ने की दर बहुत अधिक होती है। तो इस कारण से ये वक्र ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है और इस प्रकार से ये यू शेप बन जाता है। दूसरा है घटते बढ़ते नियम का लागू होना। घटते बढ़ते नियम में, अनुपात में नियम में हमने कहा शुरुआत में घटते प्रतिफल के नियम लागू होते हैं और बाद में बढ़ते प्रतिफल के नियम लागू होते हैं। तो इस कारण से ये जो है वो यू शेप का हो जाता है। थैंक यू।